हाय गाइस, एक चीज बताऊं आप लोग को, और ये मेरी पर्सनल थ्योरी भी है। अगर आपने लाइक स्मार्टफोन वर्ल्ड को फॉलो करा हो, खासकर इंडियन मार्केट को, सारे फोन जो है ना कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आते हैं। मानते हैं कि एक सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस सारे फोन में होते हैं, बट जब मैंने दो फोन कंपेयर करे ना, मुझे पता लगा भाई किसी एक फोन ने बहुत सही तरीके कॉम्प्रोमाइज करे है, जिसकी वजह से भाई एक फोन ट्रू विनर बन जाता है। मेरी बातें सारी सेंस बनाएगी जब धीरे धीरे आप इस पूरी वीडियो को देखोगे ना। तो आज की वीडियो में अगर आप सोच रहे हो भाई आईकू नियो 9 प्रो या फिर वन प्लस 12 आर में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, आई थिंक मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में दोनों को कंपेयर किया है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों को टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले ना, दोनों फोन के प्राइस और वेरिएंट कंपेयर करने बहुत जरूरी है। मतलब एक टाइम था गाइस कि हम लोग है ना इतना स्टोरेज पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स मैंने देखा है लोग जो है चाहते हैं हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, वन प्लस 12 आर जो है ना 8GB रैम 128GB से स्टार्ट होता है, लेकिन उसका प्राइस ऑफर लगाने के बाद 39,000 रुपीस होता है। बट वन प्लस का एक और वेरिएंट है 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला, बट उसका प्राइस 45,000 रुपीस है। और आईकू की प्राइस की बात करूं वन प्लस के मुकाबले, तो इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला 33,000 रुपीस का मिलता है डिस्काउंट के बाद। बट जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ना, आफ्टर डिस्काउंट 37,000 रुपीस का मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो, जितने का बेस वेरिएंट वन प्लस 12R मिल रहा है, उतने का हायर वेरिएंट आईकू नियो 9 प्रो का मिल जाता है। तो ये चीज हम कंसीडर करते हुए चलेंगे पूरी वीडियो में, तब आपको सारा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी नोट पे डिजाइन के बारे में बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं क्लियरली एक चीज बता सकता हूँ, वन प्लस में जो मटेरियल यूज हुए है ना, वो आईकू के मुकाबले बहुत प्रीमियम है यार। ग्लास और मेटल फ्रेम है वन प्लस के अंदर, जो कि एनी डे ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा स्टर्डी बोला जाएगा आईकू के मुकाबले। क्योंकि जो आईकू है ना, उसमें एक वेरियंट आता है जिसके अंदर ग्लास यूज हुआ है बैक पैनल में, बट जैसे मेरे पास ये वीगन लेदर वाला है, बट फ्रेम इस फोन का पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक ही मिलता है, तो ये थोड़ी सी डाउनसाइड है इस फोन की। इनफैक्ट अपने ओपिनियन की बात करूं ना, मेरे हिसाब से वन प्लस का जो है ना अनफेयर एडवांटेज है ये मटेरियल वगैरह, क्योंकि इन हैंड फीलिंग भी जो वन प्लस की है वो मच बेटर है आईकू के मुकाबले। मतलब हर जगह से वन प्लस ने जो डिजाइन को कर्व कर दिया है ना, फ्रंट बैक दोनों से, और वन प्लस में जो प्रीमियम हेफ्ट मिलती है ना, मतलब एक राइट अमाउंट का लाइक जो वेट है इसके अंदर, वो थोड़ा प्रीमियम फीलिंग देता है आईकू के मुकाबले। जबकि आईकू के पास यहाँ पर एक ही एडवांटेज है कि ये थोड़ा लाइट वेट है फोन। एक और चीज जो इग्नोर नहीं की जा सकती कि वन प्लस में बैक पैनल में ना गोरिल्ला ग्लास 5 यूज हुआ है, और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस, जो कि प्रीमियम है आईकू के मुकाबले। क्योंकि आईकू का अगर मैं बैक पैनल की बात करूं, अगर आप ग्लास वाला वेरिएंट लेते हो तो शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी। और लुक्स देखे जाए ना, तो बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, मतलब ओपिनियन वाली बात होती है, बट मेरे हिसाब से वन प्लस ज्यादा क्लासी फील देता है, जबकि आईकू ज्यादा यंग वाइब देता है। और दोनों फोन की आई पी रेटिंग देखी जाए तो यार ऑलमोस्ट बराबरी बोली जाएगी, लाइक एक स्लाइट एडवांटेज वन प्लस के पास है, IP64 रेटिंग है, जो कि आईकू के IP54 रेटिंग के मुकाबले थोड़ा बेटर है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों फोन का सेम है, ऑप्टिकल है, बट पोजीशन में डिफरेंस आता है। जैसे कि वन प्लस में थोड़ा सा अपर साइड है तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो आईकू में थोड़ा नीचे है, बट यार आदत हो जाती है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। और हैप्टिक्स के बारे में पता मैं क्या कहना चाहूंगा, आईकू के गुड हैप्टिक्स मिलते हैं, लेकिन वन प्लस में ग्रेट हैप्टिक्स है। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट मैं स्पीकर्स के बारे में बोल सकता हूं दोनों फोन के, यार आईकू अच्छा है, लाउड एंड क्लियर है, लेकिन वन प्लस बेटर ही है। बट वन प्लस के पास दो और एडवांटेज है, एक तो वन प्लस में अलर्ट स्लाइडर मिलता है, तब भी रिंग साइलेंट वाइब्रेट कर सकते हैं, और क्योंकि आईकू में NFC नहीं है वन प्लस में है, तो ये दो एडवांटेज भी है। और अब दोनों फोन की ना स्क्रीन को कंपेयर करते हैं। देखो, बहुत सिमिलर स्पेक्स है, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले दोनों फोन में है, दोनों फोन LTPO पैनल के साथ आते हैं, इनफैक्ट रेजोल्यूशन तक सेम है दोनों फोन का 1.5K। बट दोनों फोन में ना एक एक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, जैसे कि वन प्लस 12R में ना कर्व डिस्प्ले है जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट लेकर आता है, जबकि आईकू में फ्लैट डिस्प्ले है, बट ये कुछ कुछ एरियाज में 144Hz तक रिफ्रेश रेट ले जा सकता है। और देखा जाए तो दोनों फोन में AMOLED डिस्प्ले है, बट जो ब्राइटनेस का नंबर है सुनने में बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि वन प्लस जो है 4500 निट्स के साथ आ रहा है, तो आईकू 3000 निट्स के साथ। बट ऑनेस्टली ये डिफरेंस जो है ना सिर्फ सुनने में ज्यादा है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली देखा मैंने, तो जब साइड बाय साइड दोनों फोन में मैंने HDR कंटेंट चला के देखा ना, क्योंकि HDR में ही ये पीक ब्राइटनेस हिट होती है, तो यहाँ पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ वन प्लस स्लाइटली ब्राइटर फील होता है आईकू के मुकाबले, बट पता है कलर प्रोसेसिंग में डिफरेंस था, मतलब यहाँ पर वन प्लस ज्यादा नेचुरल फील हो रहा है, तो आईकू ज्यादा कलरफुल लेकर आता है कलर्स को। बट मेरे हिसाब से एडवांटेज पता है क्या है वन प्लस का, कि वो OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि
नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट लेकर आता है, आईकू में नहीं है, तो ये एक डिफरेंस बोला जाएगा। और मजे की बात पता है क्या है, ये जो 4,500 नेट्स 3,000 नेट्स नंबर होते हैं ना, ये सिर्फ HDR वीडियो के अंदर ही हिट होते हैं। मतलब जब आप डायरेक्ट सनलाइट में फोन को यूज करोगे ना, वो कभी भी 3,000-4,500 नेट्स पे नहीं काम करेगा। बट अगर आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, वहां पर लिखा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट में इतने नेट्स की ब्राइटनेस है। और इन दोनों फोन के केस में जब डायरेक्ट सनलाइट की बात करते हैं तो OnePlus 1600 नेट्स मैक्सिमम जाता है, जबकि आईकू 1400 नेट्स में जाता है। और यहां पर मैं क्लियरली बता रहा हूं, थोड़ा सा ही फर्क आता है। हां, OnePlus यहां पर फिर से ब्राइट है, बट ऐसा नहीं है कि आईकू बुरा है। तो अगर टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो हाँ यार, OnePlus एडवांटेज लेकर जाता है, विनर बोला जाएगा डिस्प्ले OnePlus। बट ऑनेस्टली मैं आईकू किसी भी तरीके से बुरा नहीं बोलना चाहूंगा। वैसे एक फन फैक्ट की बात एक और है, जितने भी कर्व डिस्प्ले वाले फोन होते हैं उनका टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने में दिक्कत होती है, तो ये भी चीज कंसिडर कर लेना। दोनों फोन जो है ना भाई, बैटरी डिपार्टमेंट में ना लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन जनरल ना 5000 mAh की बैटरी मिलती है आजकल फोन में, बट जो OnePlus 12 है ना 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है, जबकि आईकू 5160 mAh के साथ आता है। इनफैक्ट ये दोनों फोन जो है बहुत फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं यार। OnePlus 100W है तो आईकू 120W है, तो यहाँ पर मैं सिंपली बोलूंगा दोनों फोन अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देते हैं, पूरे दिन चल जाते हैं और फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, तो इस डिबेट में नहीं चलते। क्योंकि किसी भी फोन का ना सबसे कोर पार्ट परफॉर्मेंस होता है, कि भाई प्रोसेसर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये दोनों फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आते हैं, जो कि फैंटास्टिक प्रोसेसर है। और बेंचमार्क्स दिखाने से पहले मेरे को 100% एड्रेस करना पड़ेगा कि OnePlus ने क्या कंट्रोवर्सी करी थी यार। मतलब OnePlus ने लिटरली झूठ बोल दिया था कि इनके फोन में UFS 4 स्टोरेज है, ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन आखिरी में UFS 3.1 निकली, जो कि बहुत सैड पार्ट था। और OnePlus की बात और बुरी तब लगती है जब पता लगता है कि आईकू ने UFS 4 स्टोरेज दी है, जो ज्यादा फास्ट है और वो भी कम प्राइस में। और ये जो UFS 3.1 4.0 की मैं बात कर रहा हूं ना, इसको लाइटली मत लेना। आप स्पीड टेस्ट देखो, आईकू के बहुत ज्यादा है OnePlus के मुकाबले। और ये तो सिर्फ बेंचमार्क्स की बात थी, प्रैक्टिकली भी पता है ये डिफरेंस क्रिएट करता है। एग्जांपल देखो, मैंने दोनों फोन में ना 30 GB की फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करी, और आईकू ने ना 1:34 में टास्क पूरा कर दिया, जबकि OnePlus को पता है 3:42 लग गए सेम चीज करने में। देखो, एक चीज मैं एग्री करूंगा, शायद से जो स्टोरेज की स्पीड है बहुत लोगों को मैटर भी ना करे, बट एक टेक्निकल डिफरेंस था इसलिए मुझे बताना पड़ा। और ऑब्वियसली भाई बेंचमार्क्स को भी मैंने कंपेयर किया, और Antutu और Geekbench में स्लाइटली ज्यादा स्कोर जो है आईकू के थे। इनफैक्ट जब स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं ना, या फिर सीपीयू थ्रॉटलिंग की भी, वहां पर भी यार ऑनेस्टली दोनों फोन में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि उसको मैं हाईलाइट करके बताऊं। और दोनों फोन की परफॉर्मेंस इतनी सेम है कि जब हम गेम सेटिंग्स की भी बात करते हैं ना, चाहे फिर वो COD हो या फिर BGMI, जैसे कि BGMI में 90 FPS और COD में 120 FPS, दोनों फोन ही परफॉर्म कर लेते हैं। और क्योंकि दोनों फोन बहुत पावरफुल है, तो टेस्टिंग के लिए ना जेंशन इंपैक्ट खेला, जो कि बहुत हैवी गेम है, और दोनों फोन में ना मैंने मैक्स सेटिंग पे खेला आधे घंटे के लिए, और रिजल्ट्स बहुत ऑब्वियस थे यार, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों फोन में 60 FPS भी चल रहा था, और गेम खत्म होने के बाद कोई ऐसा भी नहीं था कि एक फोन बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, हीटिंग भी सेम थी। देखो, परफॉर्मेंस की एकदम सीधी बात तो यही है कि OnePlus भी बहुत पावरफुल है और आईकू भी, लेकिन पता है आईकू के पास एक एडवांटेज तो है। मतलब आईकू के फोन में कुछ गेमर्स से रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 4D वाइब्रेशन, जिसमें लाइक नो डाउट मजा आता है गेम खेलने में। अगर मैं ह्यूज ऑडियंस मतलब मासेस को देखते हुए चलूं, तो भाई वहां पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। अब दोनों फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दोनों फोन का, यहाँ से डिसीजन आपका मेक या ब्रेक हो सकता है। पहले बेसिक बातें बताता हूँ, दोनों फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं, 3+4 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी है, और दोनों ही फोन में फेब का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलता है। और UI देखी जाए तो OnePlus में जो है हमें ऑक्सीजन OS मिलती है, तो आईकू जो है फन टच OS के साथ आता है। और फैक्ट की बात करूं तो ये जो दोनों UI है ना, उनमें डिफरेंस ये है कि OnePlus में जो है ज्यादा पॉलिश्ड एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब OnePlus की जो ऑक्सीजन OS है, ना ही उसमें कुछ प्री इंस्टॉल एप्स आती, ना ही एड्स है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है। इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा स्टेबल भी है OnePlus की UI, जबकि आईकू जो है ना थोड़ी ज्यादा प्री इंस्टॉल एप्स के साथ आता है, मतलब जो एड्स वगैरह ये होते हैं, तो जो प्रीमियम एक्सपीरियंस है वो OnePlus का बोला जाएगा अगर फैक्चुअली देखा जाए तो। बट ऑनेस्टली मेरे को फन टच OS बुरी नहीं लगती, क्योंकि फन टच OS की अगर हिस्ट्री देखी जाए ना, तो रिसेंट टाइम्स में तो इन लोगों ने बहुत इंप्रूव किया है और अपडेट भी टाइम पे दिए। और अब फाइनली दोनों फोन के कैमरे कंपेयर करके दिखाता हूं। अब वो अलग बात है कि दोनों का कैमरा सेटअप बहुत सिमिलर है, 50+8 MP दोनों में मिलता है, बस OnePlus में 2 MP एक्स्ट्रा है, क्योंकि OnePlus में सोनी का IMX890 सेंसर है, तो आईकू जो है IMX920 के साथ आता है। साइड बाय साइड फोटोज देखो, और देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे ना OnePlus की फोटो थोड़ी फीकी तो लगी। इनफैक्ट मेरे को इसका HDR ना आईकू के मुकाबले हल्का सा तो वीक लगा, और ये चीज तो बहुत प्रोमिनेंट है ह्यूमन शॉट्स के अंदर, और ह्यूमन शॉट्स में ना आज भी ये हेलो इफेक्ट तो ले आता है आईकू के मुकाबले। इन शॉर्ट मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आईकू बेटर तरीके से कलर्स लेकर आता है, क्योंकि जो OnePlus है ना वो ब्राइट एरियाज को हैंडल ही नहीं कर पाता, उस वजह से थोड़ी पेल फोटो आती। तो सारी टेक्निकल चीजें देखने के बाद मेरे हिसाब से बेटर कॉन्ट्रास्ट आईकू का ही है। बट यार कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता, मतलब
बाइकों के भी डिसएडवांटेजेस है, मेरे नोटिस में ये आया कि कोई भी एरिया वार्म है ना तो उसको थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करता है आईकू, और आईकू में ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा कलर्स ले आई है, मतलब सैचुरेशन बहुत अप कर। और फैक्ट की बात पता है क्या है, ये जितनी भी बातें मैंने मेन कैमरे के बारे में बताई है ये अल्ट्रा वाइड में भी वैलिड होती है, बट आपको मैं बता दूं नाइट मोड में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर क्लियरली आईकू मच बेटर है OnePlus के मुकाबले, क्योंकि डार्कर एरिया से ज्यादा डिटेल भी निकाल पाता है और ज्यादा ब्राइट फोटो भी आईकू की ही होती है। और एक चीज मैं जो क्लियरली बताना चाहूंगा कि फ्रंट कैमरा दोनों फोन का मुझे कुछ खास नहीं लगा है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है बट स्टिल सेल्फी बहुत एवरेज आती है, तो अगर सेल्फी प्रायोरिटी है तो ये दोनों फोन अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और अगर वीडियो भी कंपेयर करके बताऊं तो यहाँ पर जो आईकू है वो 8K रिकॉर्ड कर सकता है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो 4K आउटपुट है दोनों फोन का, जब मैंने वो साइड बाय साइड देखा आई थिंक थोड़ा सा बेटर मेरे को आईकू ही लगा, क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरीके से कलर रिटेन कर पा रहा है। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन भी जो है आईकू की ही मेरे को बेटर फील हुई। वैसे मैंने फ्रंट वीडियो भी रिकॉर्ड करी है दोनों फोन की, खैर दोनों ही एवरेज है, बट OnePlus के पास एडवांटेज ये है कि वो फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइजेशन लेकर आता है, आईकू में नहीं है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। बट स्टिल अगर पूरे कैमरा डिपार्टमेंट को देखा जाए ना, जिसमें फोटो वीडियो दोनों इंक्लूड करे, तो स्लाइटली बेटर मुझे आईकू लगा इस केस में। तो अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। देखो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर इतना सिंपल नहीं है कि कौन सा फोन विनर है। अब यहाँ पर ना प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अगर मैं दोनों फोन के हायर वेरिएंट देख के चलूं तो यार OnePlus आईकू के मुकाबले 10,000 रुपए महंगा है। तो अगर ये 10,000 का प्राइस गैप जब हम कंसिडर करते हैं ना, तो आईकू नियो 9 प्रो एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन 100% बोला जाएगा। और ये कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया में वैल्यू फॉर मनी फोन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग मैंने एक बात बोली थी ना कि दोनों फोन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आते हैं, मेरे हिसाब से जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर आईकू ने करे है बहुत स्मार्टली करे है। कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि जिसको मैं देख के बोलूं ओ माय गॉड कि भाई डील ही ब्रेक हो जाती है। इन शॉर्ट आईकू हाईली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में से एक है, जबकि OnePlus 12 बार जो है ना बहुत छोटे छोटे प्रीमियम फीचर्स दे रहा है। अगर आपको ये छोटे छोटे प्रीमियम फीचर्स मैटर करते हैं तो ऑब्वियसली यार अब 10,000 एक्स्ट्रा पे करोगे आईकू के मुकाबले, बट 12 बार फिर उस तरीके की चीज देता है। तो अगर आप 10,000 एक्स्ट्रा पे करना चाहते हो तो हाँ मैं एग्री करूंगा कि OnePlus 12 बार ज्यादा बेटर प्रीमियम फोन है। तो चॉइस आपकी है कि आपको वैल्यू फॉर मनी चीज चाहिए या फिर आप प्रीमियम खर्चना चाहते हो उन छोटी छोटी चीजों के लिए। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार मुझे कि आप इनमें से कौन सा फोन पिक करोगे। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो भाई, मैं कोशिश करूंगा वहां पर रिप्लाई करने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर लो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।